डिजाइन कैसे चेंज? नहीं, ये डिजाइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर एक उतार चढ़ाव की स्वीकृति दी गई है और इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की रिपोर्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सीओ उस समय के तत्कालीन अवस्थी जी ने इसको स्वीकृत किया है और लगभग 80 से 90 करोड़ इसकी लागत आएगी। निसंदेह इस उतार चढ़ाव से बनने से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाएगा और जो इस क्षेत्र के लिए मैं समझता हूँ मील का पत्थर होगा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास इस एक्सप्रेस वे जो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे है उसका उतार चढ़ाव बनने से दातागंज विधानसभा को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण में एक महिला पीएससी की बटालियन की भी स्थापना हुई है, एक एचपीसीएल की सीएनजी गैस फैक्ट्री भी लगी हुई है, जिला कृषि विज्ञान केंद्र भी है, यहाँ पर फायर स्टेशन भी है, तहसील मुख्यालय है, महाविद्यालय है, तो यहाँ से जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और भी कई नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है और सब अधिकारियों ने इसकी आवश्यकता को समझने के बाद ही इसको स्वीकृत किया है, तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से। इस क्षेत्र के विकास में हमारा सब लोगों ने सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन कार्य शुरू हो रहा है, शिलान्यास भी है और इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार जो है कॉरिडोर बना रही है जी, तो उसके लिए क्या प्रयास? नहीं, ये तो उसमें एक नियम बन गया है कि जहाँ पर भी इंटरचेंज होगा वहाँ पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। और मुझे जहाँ तक जानकारी है यहाँ के एसडीएम साहब ने यहाँ पे जमीन का अधिकरण के लिए भूमि का चयन भी कर लिया है और शासन को भेजा है, यहाँ पर निसंदेह औद्योगिक गलियारा बनेगा।